हेलो फ्रेंड, कैसे हो। एंड सोलेंड का एक और नॉवेल वीडियो में आपका स्वागतम। हमने लास्ट एपिसोड में कुछ लोगों को वांग और योहाओ का पीछा करते हुए देखे थे। डू यू नो हु आर दे? नहीं पता ना तो एपिसोड को पूरा देखना, क्योंकि गजब का राज खुलेगा इस एपिसोड में। सो और बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में सारे काले कपड़े वाला लोग दोनों को जान से मारने के लिए रेडी होता है। चाकू जुगाड़ लगा के सोल गाइडिंग टूल यूज करके योहाओ वहां से उड़ के भागने लगता है वांग को लेकर आसमान में एक। तभी वो सिग्नल भी दे देता है कि वो लोग खतरे में है। जो देख के वो काले कपड़े वाला कहता है क्या वो दोनों सिर्फ कोर प्यूपल्स नहीं है, क्योंकि वो सिग्नल इनर सेंचुरी प्यूपल के लिए इमरजेंसी कॉल है, जिसके कारण वो काला कपड़े वाला सबको कहता है उन्हें जल्दी मार डालो, क्योंकि उन्हें वहां से जल्दी भागना भी होगा सीनियर स्टूडेंट या टीचर आने से पहले। तभी उनके टीम का एक बंदा कहता है दोनों ने हमें कैसे डिटेक्ट किया। तभी दूसरा बंदा जवाब देता है तो क्या हुआ, उनका करंट पावर स्टेटस का हिसाब से वो लोग भाग नहीं पाएंगे। तभी वांग और योहाओ को आसमान में देखने को मिलता है, जहां पीछे से चिल्लाने का आवाज आते है लाइक मारो उन्हें। तभी योहाओ कहता है हमें होल्ड करना होगा जब तक हमारे लिए मदद नहीं पहुंच चाहते, क्योंकि उन लोगों का टारगेट हम है और पीछे छह लोग हैं एंड उनमें से एक का पास सिक्स स्प्रिट रिंग भी है, जिसके कारण वो वांग को कहता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनमें और हम में पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और वो मन में कहता है बचने के लिए जल्द ही सिटी पहुंचना होगा एंड टियानमिंग को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसने ही उन लोगों को पहले फाइंड आउट किया था, जिसके कारण वक्त रहते ही वो लोग निकल पाए। अभी योहाओ का सोल स्प्रिट रॉकेट गर्म होने लगता है, जिसके कारण वो बोलता है वांग अभी उड़ने का पारी तुम्हारा। तभी उड़ने का काम वांग डोंग ले लेता है, बट उसे फील होता है शायद वो लोग उन्हें पकड़ लेगा बिकॉज हाओ डोंग का फुल पावर यूज करने के बाद भी पावर डिफरेंस मैच ही नहीं हो रहा है और वो लोग लगभग उनके पीछे ही है। और वो कहता है तुम दोनों का हिम्मत कैसे हुआ भागने के लिए। तभी वांग रिएक्ट करता है ये अच्छा नहीं है और क्या वहाँ पे वो लोग मरने वाला है, ऐसा सोचता है। तभी योहाओ कहता है फुल पावर लगा उड़ने के लिए। तभी वांग तेजी से ऊपर जाने लगते हैं, बट वो लोग भी उनके पीछे पीछे उड़ रहा है और वो किलर कहने लगते हैं सिर्फ ऊंचाइयों पे जाके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भी उड़ने का एबिलिटी है। एंड उन्हें करीब देख के योहाओ कहता है ये अच्छा नहीं है, हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते है, सो हमें वो मूव करना होगा। तभी स्प्रिट पावर योहाओ के पास इकट्ठा होने लगता है, जो देख के वांग रिएक्ट करता है सारा स्प्रिट पावर योहाओ के पास जा रहा है, लेकिन ये स्प्रिट फ्यूजन एबिलिटी नहीं है। तो आखिर वो करना क्या चाह रहा है। तभी छह के छह लोग उन्हें घेर लेता है और कहता है दोनों पकड़ में आ गया, अभी उनके पावर रिलीज करेंगे। तभी वांग चिल्लाते योहाओ सब खत्म, क्योंकि हम मरने वाले हैं। लेकिन तभी वो आंख खोल के देखता है और रिएक्ट करता है योहाओ ऐसा एबिलिटी रिलीज कर रहा है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। तभी किलर गैंग भी कहने लगते है वो क्या कर रहा है एंड सारे के सारे फील करता है आसपास का हवा थमसा गया है। एंड उतने में योहाओ फॉर द फर्स्ट टाइम डेथ डोमेन नाम का एक एबिलिटी रिलीज करता है एंड फास्टली अटैक बहुत ही खतरनाक था एंड खतरनाक के साथ अटैक बेहद खूबसूरत था एंड उससे वो सबको जमा देता है। जो देख के वहां जा रहे सीनियर रिएक्ट करता है ये आइस है और उनसे सबको फ्रोजन किया है, और वो शॉक्ड होके कहता है क्या ये सच में एक स्प्रिट मास्टर का एबिलिटी है, वो भी सिर्फ दो स्प्रिट रिंग के साथ। एंड वो देख के सारे सीनियर कहता है क्या ही पावरफुल एबिलिटी है। एंड उनके पीछे वो फायर वाली यानी हमारे खूबसूरत मार्शियाओ भी आने लगते हैं, बट सेम टाइम सब स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि सारे विलेन बहुत पावरफुल है, सो वो किसी भी वक्त खुद को आजाद करवा सकता है योहाओ के चंगुल में से। और तभी वांग सारे सीनियर को स्पॉट करता है उनके तरफ आते हुए, लेकिन उतने में दोनों के तरफ बहुत खतरनाक अटैक आता है। जो देख के वांग रिएक्ट करता है चाहे कुछ भी कर ले बट इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, इट्स बैड। तभी योहाओ चिल्लाते हैं वांग डोंग गिव अप मत करो। तभी वो रिएक्ट करता है योहाओ इस सिचुएशन पर सारा हाओ डोंग यूज करो, बट उस टाइम वांग डोंग फील करता है वो कुछ नहीं कर पाएगा एंड डाया हुआ बिन का शर्त याद करता है एंड इसके पीछे वही है उस बारे में सोचता है। एंड वो शर्त हार भी गया था बट योहाओ के कारण
उसे वो छोड़ दिया था, बट वांग का फीलिंग है अगर वो इस वक्त पर उसके सामने होता तो उसे वो कूट देता, बट वो जितना कर पाया वो कर दिया लेकिन काम को अंजाम नहीं दे पाया और ऊपर से उनके स्प्रिट पावर भी खत्म हो गया। तभी सारे बूढ़े लोग उनपे अटैक करने आते हैं एंड जहाँ वांग एक बार फिर से कहता है यही हमारा आखिरी मोमेंट है, तभी श्याओ श्याओ भी वहाँ आते हैं उनके नीचे और उन्हें वहाँ से अच्छे से ब्लॉक करने कहता है। सेम टाइम वो काफी सैड भी होते हैं, तभी आसमान में एक रेड गोल्डन लाइट चमकने लगता है एंड वांग और यहो कहने लगता है ये रेड लाइट क्या है और इतना वार्म क्यों फील कर रहा है एंड द सीन इज टू अमेजिंग एंड उन दोनों का श्याओ श्याओ को सौंप के उनका ख्याल रखने कोई कहता है और उसके बाद जाके उसका यानी द वही एविल फायर पजेस करने वाली का एक गजब एंट्री हमें देखने को मिलता है जो उन सारे लोगों को धमका के कहता है किस किस को थकान महसूस हो रहा है अपने जिंदगी से जो तुम श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट को हर्म करने चले आए। बट सेम टाइम शी थिंक्स इन हर माइंड सालो कुत्तो कमीनो तुम्हें मालूम भी है वो लड़का मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है एंड गाइस रियली शी इज समथिंग एल्स, क्योंकि उसके बाद जब गुस्से में वो कहती है तुम सब राख में मिल जाओगे जो औरा देखने को मिलता है क्या ही बताओ एंड उसका पावर के बारे में दोनों डिस्कस करने लगता है। उतने में वो ब्लेजिंग फ्लेम डेमन का यूज करते हैं जो कि सच में बहुत स्कैरी था एंड अटैक के बाद शी बी लाइक वो मैं तो भूल गया एक को जिंदा रख के पूछताछ करने के लिए और ये मैं आप जाके रियलाइज कर रही हूँ जब मेरा गुस्सा ठंड पर गया। लेकिन दोनों दंग रह जाते हैं फायर पावर को देख के बिकॉज सब राख हो चुका है एंड उसके बाद योहो को लेकर चर्चा शुरू हो जाता है और मजे की बात टीचर डियानियन और टीचर मिसलिन वहाँ पहले से ही मौजूद था और वो लोग आजमाना चाहते है उनका स्टूडेंट किस लेवल पे जा सकता है और सकती है, क्योंकि अगर कुछ बुरा होता तो वो लोग प्यार हो जाता। लेकिन सेम टाइम श्याओटाओ आके सारा कुछ संभाल लिया था और लेकिन अभी उन दोनों के बीच बात होता है योहो के न्यू पावर को लेके एंड मास्टर डियान मिसलिन से कहता है भी हमारा स्टूडेंट कैसा है। तभी उसका वो जो न्यू डोमेन पावर है उसके बारे में बात होने के बाद वो लोग बात करते हैं आखिर वो लोग कौन है और क्यों ही हमला किया जिसके कारण वो लोग कॉर्प्स मंगाते हैं आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता जिसके लिए एकेडमी चुप ही रहते हैं उस मामले में। बट कहीं ना कहीं वांग और योहो को तो पता ही था इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कमीना यानी टाया हुआ बिन का हाथ था और थैंक्स कुछ स्टूडेंट के कारण ये बात कहीं ना कहीं एकेडमी के सामने आ गया। और नेक्स्ट डे जैसे ही दोनों स्कूल आ गया यानी एकेडमी में पहुंच गया तो टाया हुआ बिन इन दोनों को देख के दंग रह जाते है और उसका आग बाहर निकल आते है और तुरंत वो जमीन पे नाक लगा के उनसे माफी भी मांगता है। बट योहो वांग डंग को से लेके आगे आता है जहाँ कुछ देर चलने के बाद जहाँ वांग उसे पूछता है तूने क्यों मुझे लेके आया मुझे उसे सबक सिखाना था। तभी योहो कहता है ना उसे एकेडमी देख लेगा क्योंकि हम अगर वहाँ कुछ करने चाहते तो चाहकर भी कुछ ना कर पाते, सो हम चुप ही रह के देखते हैं आखिर एकेडमी से क्या फैसला लिया जाता है। और उतने में एक स्टूडेंट आके योहो को कहता है क्लास प्रेसिडेंट आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया और आपके लिए कोई वेट कर रही है। और योहो पूछता है वेट लेकिन कौन, सो वो जवाब देता है आप इतना सिंपल भी नहीं हो क्योंकि सुबह से इतना खूबसूरत लड़की को वेट करा रहे हो। योहो सोच में पर जाता है आखिर कौन हो सकती है और उतने में वो बाहर आके चौक जाता है और कहता है अरे ये तो ब्लेजिंग फ्लेम डेमन वाली ही है एंड सारे स्टूडेंट कहने लगते है सिस्टर श्याओटाओ बहुत खूबसूरत है। तभी योहो सोचता है सिस्टर श्याओटाओ मुझे क्यों ढूंढ रहा है और वो इतना वेट क्यों दिख रहा है और वो वेट इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसने लास्ट नाइट का एक्शन के कारण डेमोनिक फायर कंटेन करना मुश्किल हो रहा है। सो वो योहो को देख के उसे हग करती है बिकॉज ऑफ हिज आइस पावर, जो देख के क्लास का हर एक स्टूडेंट योहो को पहुंचे हुए बॉय समझने लगते हैं। बट उसी सिचुएशन पर योहो का पसीने सूटने लगते है जो देख के सबसे जल्दी है वांग का और वो तुरंत कहता है वो क्या कर रही हो जल्दी योहो को छोड़ दो और मन में कहता है आखिर इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है और योहो से क्या करना चाहते हैं। तभी श्याओटाओ माहौल बना के योहो को वहां से लेके चली जाती है
जो देख के फिर से सब दंग रह जाते हैं और वांग भी क्या करे कुछ समझ नहीं पाता। तभी टीचर जो वहाँ पे आते हैं और उसे कहते हैं क्या हुआ क्लास में चल जा। वो तुरंत कहने लगते हैं टीचर जो हमारा योहव किडनैप हो चुका है बाई शाउट आउट। तभी टीचर जो जवाब देती है हाँ मुझे मालूम है उन लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है बट तुम जल्दी क्लास आ जाओ मुझे क्लास शुरू करना है। और उसके बाद पूरा दिन वांग बस चिंता में ही निकल देता है, कभी ये करता है कभी ये करता है, सोता है नींद नहीं आता और ऐसा करके पूरा रात निकल जाता है फिर भी योहव नहीं आता। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली योहव जाके रूम में एफआईआर होता है बट उसका वेलकम कैसे होता है आपको मालूम ही है वांग का गुस्सा और सवालों से, जिसका ब्रेकडाउन हम कल यानी अगले एपिसोड में करने वाले हैं, जिसके कारण बने रहे और हमें सपोर्ट करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें भाई प्लीज़ 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 बाय।